बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सर्दियों के हवाले से ख़ास मज़ेदार से हरी प्याज आलू मटर की। हरी प्याज आलू मटर की जो सब्ज़ी होती है बहुत ही मज़े की बनती है। आलू मटर की सब्ज़ी हम नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन सर्दियों में जब आप इसमें हरी प्याज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप जान पाएँ कि किस स्टेज पर हमें हरी प्याज डालने ताकि उसका मैक्सिमम हम फ्लेवर ले सकें। मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया। उसके अंदर मैं यहाँ पर 1/2 कप हरी प्याज यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो जो इसका वाइट वाला पोर्शन होता है हरी प्याज का वो इसमें डालेंगे। तो वो हमने डाल दिया है 1/4 कप के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ले लें और जब ये थोड़ा सा इसमें खुशबू सी आने लगेगी तो मैंने इसके अंदर 2 टमाटर डाले हैं, 4 हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम क्या करेंगे कि टमाटरों को ज़रा सॉफ्ट हो जाने के लिए पकने देंगे। तो फ्लेम को स्लो करके कवर करके मैं इसको पकने दूंगी। ये फ्रोज़न टमाटोज़ हैं जिसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फ्रीज़ करके रख लेते हैं तो बहुत आसानी से लंबे अरसे तक चलते हैं ये। अब हम क्या करेंगे इस तरीके से देखें, इस तरीके से इसको टमाटरों को ज़रा मैश कर लेंगे और जो है वो ताकि अच्छे से ये घुल जाएँ और फिर टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। आप चाहें तो आप छिलका जो है वो हटा दें क्योंकि फिर क्या होगा कि इसका जो टमाटर होंगे उसका अच्छे से जो पेस्ट बन जाएगा। ये देखें इस तरीके से खड़ा चमचा करके हम इसको जो है वो टमाटरों को कुचल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले जिसमें मेरे पास यहाँ पर है 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। तो मसालों का रेशियो बिल्कुल ये सेट है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी यूज़ की है और काली मिर्च भी यूज़ की है। तो 1/2 टीस्पून लाल मिर्च बहुत बिल्कुल सेट है इसमें, लेकिन आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको जो है वो भुनाई कर लेंगे मसालों के साथ सब चीज़ों की। टमाटर वगैरह की भुनाई हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसको थोड़ा जो है वो जोश आने दूंगी मसाले में। अभी देखें इसमें खोल आ रहा है तो हम इसके अंदर डालेंगे 3 जो है वो आलू। आलूओं को मैंने इस तरीके से काट लिया, क्यूब्स में काट लें आलूओं को। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। अब हम इसको जो है मसालों के साथ भून लेंगे। इसके बाद पानी डाल के इसको आलूओं के गल जाने तक पकने देंगे। यहाँ जो मैं मटर यूज़ करूँगी मैं फ्रोज़न यूज़ करूँगी, इसलिए मैं मटर को एंड में डालूँगी क्योंकि फ्रोज़न मटर जो है वो उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दम पे गल जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप आलूओं के साथ या 5 मिनट बाद, आलू डालने के 5 मिनट बाद आप मटर डाल सकते हैं साथ में ताकि वो गल जाए। कवर करके आलू के गल जाने तक पकने दिया था हमने इसको। और देखें जब आलू गल गए हैं तो देखें मसाला भी अच्छे से भुन गया उसके साथ। अब मैं इसमें डालूंगी हरी प्याज का जो हमने ग्रीन वाला पोर्शन रोका हुआ था वो डाल देंगे हम इसमें, और साथ में मटर डाल देंगे। मटर का मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रोज़न मटर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रोज़न मटर को हम थोड़ी देर पानी में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि सही हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। और 1/2 कप मैंने जो यहाँ मटर यूज़ की है तो बस हम इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, हम इसको दम पे 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इस वक्त आप चाहें तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं ताकि सब्ज़ी अगर आप बहुत सूखी नहीं चाह रहे तो आप थोड़ा पानी इसमें डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े की बनती है। एंड में आप हरी प्याज डालें इसका फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है। इस तरह धनिया इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, हरी मिर्च हम स्टार्ट में डाल चुके हैं। 2 मिनट बाद इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आलू मटर और हरी प्याज की सब्ज़ी हमारे पास बन चुकी है। बहुत मज़े की झटपट फटाफट बन जाने वाली ये सब्ज़ी और बहुत मज़े की बनती है। इसका फ्लेवर जो हरी प्याज की वजह से आता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नहीं होता इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की मज़े की वीडियोज़ और रेसिपीज़ जो हैं वो किचन रिलेटेड देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।